हेलो फ्रेंड, शशि शुक्ला .com किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आलू के चिप्स बनाना बताने जा रही हूँ। इसके लिए ये देखिए, मैंने आलू छील के और पानी में ही हमें रखना है, नहीं तो काले पड़ जाएंगे। चिप्स के लिए हमें बड़े बड़े आलू चाहिए और हमें सफ़ेद आलू चाहिए, पतले छिलके के सफ़ेद आलू चाहिए। कच्चे आलू नहीं होने चाहिए, जो अच्छे से पके हुए आलू हों वो लेने हैं, सफ़ेद आलू बड़े साइज़ के। अब ये देखिए, और ये मैंने नीचे भगोने में पानी लिया है, इसी में मैं चिप्स काट के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये चिप्स हमें ऐसे काट लेना है। आपके पास कोई भी चिप्स कटर हो, आप उससे ऐसे चिप्स काट लीजिए। ये देखिए, ये हमारा कटर है, ऐसे हम सारे आलूओं को काट लेंगे। और हमें चिप्स को पानी में ही रखना है। अगर आपके पास सुबह टाइम नहीं है तो आप रात में भी काट के पानी में रख सकते हैं, तो आपको सुबह आसानी होगी। अगर रात में आप काट के पानी में ही चिप्स को रख लेंगे तो सुबह जल्दी से आप धूप में डाल सकते हैं सुखाने के लिए। तो ये देखिए, मैंने थोड़े आलू बचा के रखे थे आपको दिखाने के लिए, बाकी मैंने भी रात में ही काट के रख लिए थे। आलू बड़े साइज़ के चुने, एक साइज़ के आलू अच्छे से गोल गोल आलू चुनेंगे तो चिप्स आपके अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, मेरे ये आलू कट गए। फ्रेंड्स, ये देखिए, मैंने रात को ही सारे आलू काट लिए थे, मेरा चिप्स कटा हुआ है। ये देखिए, सारे चिप्स मैंने काट लिए हैं। ये देखिए, मेरे चिप्स का साइज़ ऐसा है। तो ये देखिए, ये मैंने 10 किलो आलू के चिप्स रात को काट के और इस टब में पानी में भिगो दिए थे अच्छे से, धुल के, एक बार धुल के आलूओं को अच्छे से फिर काटा था मैंने। फिर उसके बाद अच्छे से पूरा पानी में डिप रहना चाहिए आलू, वैसे मैंने भिगो दिए। तो चलिए, अब हम इसको, अगला प्रोसेस क्या है वो बताते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए, चिप्स काटने के बाद अब हमें एक भगोने में पानी रखना है, बड़े भगोने में पानी, और इस पानी में हमें नमक डाल देना है। ये देखिए, इस पानी में हम नमक डाल देंगे। अगर आपको व्रत में खाना है तो सेंधा नमक भी डाल सकते हैं या बिना नमक का भी बना सकते हैं। तो ये मैंने नमक डाल दिया इस पानी में। अभी हमें पानी को उबलने देना है, फिर हम अपने इसमें चिप्स डाल देंगे पानी जब उबलने लगेगा। और एक उबाला ही देना है, ज़्यादा हमें पकाना नहीं है चिप्स को, बस आधा मतलब पकना चाहिए, बहुत ज़्यादा पक जाएगा तो टूटने लगेगा। तो ये ढक देते हैं, हम पानी को उबलने देते हैं। ये देखिए, मैंने ढक दिया है, पानी को उबलने देते हैं हम थोड़ी देर। ये देखिए, अब हमारा पानी गर्म हो गया है। चिप्स के लिए हमें एक चीज़ ये भी ध्यान रखनी कि धूप बहुत कड़क होनी चाहिए तो हमें चिप्स बनाना है। जब आप देखें दो एक दिन धूप अच्छी निकल रही तभी बनाएं, नहीं तो अगर आप बना लेंगे और उसको सुखाएंगे तो चिप्स काले पड़ जाएंगे। तो हमें चिप्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि धूप बहुत ही तेज़ हो। चिप्स, पापड़, हम कुछ भी बना रहे हैं तो उसके लिए हमें धूप की बहुत ज़रूरत होती है। जितनी अच्छी धूप होगी उतने जल्दी सूखेंगे और उतने अच्छे बनेंगे आपके चिप्स, पापड़ और जो भी आप बना रहे हैं इस तरह की चीज़ें। तो फ्रेंड, ये देखिए, हमारा पानी गर्म हो गया है, अब हम इसमें चिप्स डाल देंगे। जितने चिप्स आ जाए एक बार में उतने ही डालेंगे। और पानी में नमक मैंने डाल दिया था, ये सारे चिप्स हम डाल देंगे। ध्यान से डालें। तो ये देखिए, मैंने डाल दिए हैं एक बार में, थोड़े और आ जाएंगे, थोड़े से और लेते हैं। ये देखिए, थोड़े और आएंगे, थोड़े से और डालते हैं। आपके पास इससे बड़ा बर्तन हो तो आप डाल सकते हैं, मेरे पास बर्तन नहीं है बहुत बड़ा, एक यही भगोना है इतना बड़ा, तो मैं इसी में बना लूँगी। मेरे तीन बार में ये सारे चिप्स लगभग उबलेंगे। पानी गर्म था लेकिन आलू डालते ही पानी का टेम्परेचर फिर से डाउन हो गया, इसीलिए पानी को अच्छे से उबालें। तो चलिए, बस हम इतने ही डालेंगे एक बार में, अब इससे ज़्यादा नहीं आएंगे इस भगोने में। अब इनको एक उबाला आने देते हैं।
फ्रेंड्स इनको बीच बीच में हमें नीचे के आलूओं को ऊपर करना है, ताकि जो ऊपर के आलू हैं वो उसमें भी अच्छे से हमारा थोड़ा भाप लग जाए, अच्छे से थोड़े पक जाए। हमें इनको बहुत ही पकाना है, आधा जैसे आधा आलू पकाते हैं आधा हाफ कुक करना है। पूरा कुक करने पे ये उबल से जाएंगे और ये मैश से हो जाएंगे। बस हमें एक उबाल आते ही इसको हमें छान लेना है। आप चिप्स चाहें तो डिज़ाइन वाले भी बना सकते हैं। चिप्स कटर में अलग अलग तरह के डिज़ाइन वाले चिप्स भी होते हैं, उसमें कट डिज़ाइन बने होते हैं, तो आप उस तरफ से भी काट सकते हैं। मेरे यहाँ ज़्यादा प्लेन पसंद करते हैं तो मैंने प्लेन ही बनाया है, और कुछ मेरा कटर भी ठीक नहीं चल रहा जिधर डिज़ाइन है तो मैंने प्लेन ही रखा है। तो आप डिज़ाइन वाला चाहें तो डिज़ाइन वाला भी कटर से काट सकते हैं। ये देखिए कटर में ये वाला जो होता है ये डिज़ाइन के लिए होता है, ये प्लेन के लिए होता है, तो मैंने इस प्लेन हिस्से से काटा है, डिज़ाइन के हिस्से से मैंने नहीं काटा है। तो फ्रेंड ये देखिए हमारे ये वाले चिप्स हो गए हैं। करीबन 5 मिनट तक हमें इनको इस पानी में रखना होता है, उबलते पानी में, ज़्यादा देर नहीं, 5 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो अब मैंने गैस बंद कर दी है, अब मैं इसको छान लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड ये मैंने नीचे टब रखा है, ऊपर से ऐसी टोकरी रख ली है। आपके पास ऐसी टोकरी नहीं है तो कोई भी बड़ी टोकरी ले लें जिससे कि पानी नीचे छन जाए, और हम इसको ही दोबारा उस पानी को ही यूज़ करेंगे, उसको फेंकेंगे नहीं। आरओ वाटर है तो हमें ऐसे फेंकना नहीं है, उसमें नमक भी मिला है तो ये सारा पानी इसमें ड्रेन हो जाएगा। हम इस पानी को वापस भंगोने में रखेंगे और वापस से अपने चिप्स को उबालेंगे। तो फ्रेंड ये देखिए मैंने ये सारे चिप्स इसमें ऐसे छान दिए, ये पानी सारा इसमें ड्रेन हो जाएगा। ये सारे चिप्स इसमें निकाल लिए। और फिर से देखिए यही पानी हम इसमें फिर से डाल देंगे। चढ़ा देंगे फिर से गैस पे। ये देखिए वो पानी मैंने रख दिया, गैस को ऑन कर देते हैं और मैं इसमें अपने बाकी के चिप्स डाल देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड दोबारा से हम अपने चिप्स को डाल देते हैं, और जो बाकी बचे हुए थे ऐसे ही हमें जितने भी चिप्स हैं तो सारे डाल के ऐसे ही हाफ बॉईल करने हैं। तो इसको मैं चढ़ा के जाती हूँ, जो चिप्स हमारे बॉईल हो गए हैं उनको धूप में ले चलते हैं डालने के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको इनको धूप में कैसे फैलाना है। आप इसमें नमक थोड़ा सा और डाल दीजिएगा, नमक क्योंकि कम हो जाता है। तो फ्रेंड ये देखिए मैं धूप में आ गई हूँ, मैंने ये पॉलीथीन बिछाई है। अगर आपके पास पॉलीथीन नहीं है तो आप चादर भी डाल सकते हैं या सिंथेटिक का कोई भी कपड़ा वो डाल दीजिएगा, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा चिप्स को सूखने नहीं देना है, पहले ही उखाड़ के हमें पलट लेना है। क्योंकि फ्रेंड हमें ये देखिए पॉलीथीन को हमने साफ़ कर लिया है। अगर आप चाहें तो पॉलीथीन नहीं है तो कपड़े पर डाल सकते हैं, क्योंकि जो है सबके पास पॉलीथीन नहीं होती है तो आप कपड़े पे आराम से डाल सकते हैं। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना बहुत सूखने नहीं देना है, आपको 5-6 घंटे बाद सारे चिप्सों को पलट देना है। तो मैंने पॉलीथीन बिछा के इसको पोंछ दिया है, अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब मैं अपने चिप्स को फैलाऊंगी। ये देखिए हमें एक एक करके चिप्स को फैला लेना है, एक के ऊपर एक ना रहें, सारे चिप्स हमें अलग अलग करके फैला लेने अच्छे से। ये देखिए ऐसे हमें सारे चिप्सों को अच्छे से फैला लेना है, एक के ऊपर एक चिप्स नहीं रहने चाहिए तो उनको टाइम लगेगा फिर सूखने में। ये देखिए ये सारे चिप्स ऐसे फैलेंगे, ऐसे हम जितने भी चिप्स हैं सबको फैला लेंगे। और हमें इनको 2 दिन की कड़क धूप तक 2 दिन तक सुखाना है, 2 से 3 दिन तक। आपको पता चल जाएगा जब सूख जाएंगे एकदम, आप दांत से काट के देखेंगे
कड़कड़ की आवाज़ आनी चाहिए, बिल्कुल जैसे सूखा हुआ होता है। बिल्कुल नमी रही नहीं रहनी चाहिए। आप इसको साल दो साल तक यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, बीच बीच में धूप दिखा दिखा के, बीच बीच में आप दिखाते रहें, आपके पास स्टोर कर सकते हैं। बहुत आराम से ये चलते हैं। वैसे तो आप ये कितना भी बनाइए, बच्चों को इतना पसंद होता है, वो जल्दी से ही खा जाते हैं, बच्चे बड़े सभी। इतने दिन चलते ही नहीं है पहली बात तो। तो चलिए हम ऐसे ही सारे चिप्स फैला लेते हैं और हमको इनको दो दिन तक सुखाना है। तो मैं अब दो दिन बाद मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड्स ये देखिए दो दिन हो गए हमारे चिप्स सूख के तैयार हो गए। अब मैं आपको इनको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया। ये देखिए हमारे चिप्स कितने बढ़िया तल के तैयार हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स दो दिन की धूप में चिप्स अच्छे से तैयार हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे चिप्स बन गए। इस पर हम थोड़ा सा चाट लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला डाल देते हैं। तो हमारे चिप्स रेडी हैं। आप ऐसे ट्राई करिए और बनाइए चिप्स को। होली का सीज़न आ गया है और आपको अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।